गाइस फाइनली मैं और अश्विन तो अपना मस्त रेडी हो गए। अब फुल्ली रेडी हो गए अपना। बाय। चावल लगाना भूल गई किस ना। लाइट दिखाओ जल्दी से। खाने में क्या है ना, रोटी डाल, रोटी रखना भूल गए लोग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं अभी 6:42 हो रहा है गाइस। आज का जो भी प्लान है गाइस, पहली चीज आज तो है करवा चौथ, तो आप सभी को गाइस करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी कपल्स है गाइस, कपल्स के लिए तो हार्दिक शुभकामनाएं गाइस आप लोग को करवा चौथ की गाइस, मेरे और रोशनी की तरफ से गाइस। तो रोशनी तो नीचे है तो खैर मैं उनसे भी मिलवाऊंगा। और गाइस आज का एक और प्लान है गाइस, करवा चौथ भी है और आज ये दिन वेडनेसडे गाइस, तो आज का प्लान ये भी है, आज पापा को वो भी मेरे को लेके जाना है गाइस हॉस्पिटल, जहाँ से ट्रीटमेंट पापा का चल रहा है। डॉक्टर साहब से तो बात हो गई थी कल मेरी, आज हम लोग यहाँ से चलेंगे फरकाबाद गाइस, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर है। तो गाड़ी भी मैंने बुक करवा दी, 4-व्हीलर से जाएंगे गाइस। अभी मैं नहाया धोया कुछ भी नहीं हूँ गाइस, और मैंने सुबह ही ब्लॉग चालू कर दिया गाइस। तो चलिए ठीक है, फटाफट नहा धो लेते हैं और नहा धो के आपसे मिलूंगा। आज का व्लॉग गाइस थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि आज मेरे को जाना है और फिर आज ही वापसी करनी है और शाम को करवा चौथ भी मनाना है। तो चलो फटाफट अपना नहा धो के रेडी हो लेते हैं। और मैंने अभी अभी एक काम और कर दिया गाइस, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम किया। तो एक्चुअली में क्या बोला गाइस, गीजर हमारा ख़राब हो गया, तो मैंने इसीलिए देसी जुगाड़ से अपना पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। दिखाता हूँ मैं आपको, गर्म पानी भी अपना हो गया है। फटाफट रेडी हो लेते हैं क्योंकि टाइम काफी हो गया, 7 बजे आई थिंक गाड़ी वाला भी आ जाएगा। A few moments later. तो फाइनली नहा धो के रेडी हो गया और मैंने देखी टी शर्ट और जींस डाली। आज जींस मैंने गाइस बहुत दिनों के बाद जींस पहनी है, मुझे खुद नहीं पता मैंने कब जींस पहनी थी। और इसके ऊपर ब्लैक अपना स्पोर्ट्स जैकेट डाल देंगे गाइस। सुबह सुबह घर पे देखो क्या हो रहा है मेरे, ये जा रहा है स्कूल और आर्यन तो मेरे साथ चलेगा, और ये देखो ये अकेले जाएगा स्कूल, और घर का हाल देखो आज, और ये देखो ये कृष्णा कितनी बिजी है, सुबह ही सुबह बिजी हो गई गाइस। देखो 7 ही बज रहा अभी, तो चलो ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कर लेते हैं और फिर निकलने की तैयारी। बस रेडी हो गए अपना फुल, मम्मी ऑलरेडी तैयार है, चलो जल्दी करो, जल्दी करो ब्रेकफास्ट करो। ये अपनी चाय हो गई और ब्राउन ब्रेड हो गई गाइस 2, और ड्राई फ्रूट्स हो गए। चलो फटाफट फिनिश करते हैं और देखिए अपना डाइट का ध्यान पहले रखते हैं गाइस। ये देखिए इसमें फ्रूट्स भी हो गए और पापा की मेडिसिन है ये सब। गाइस गाड़ी तो आ गई है, अरमान पहले ही जाके बैठ गया, तो गाड़ी तो आ गई है, तो चलो अब चलने की तैयारी, ब्रेकफास्ट भी हो गया है। चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, अब फुल्ली रेडी हो गए अपना। चलो गाइस फटाफट चलते हैं, बाय। एक चीज और हो गई गाइस, क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह सारी चीजें करी ना, जल्दी जल्दी मतलब जितना जल्दी हो सके, सुबह 6 बजे उठे भी, नहाए धोए जो भी हुआ, रेडी हो गए, तो सफर चालू हो गया। बस टाइम पे पहुंच के टाइम पे हम लोग आ जाए, बस यही चीज है गाइस। आपको करवा चौथ भी है तो अभी बहुत सारी चीजें भी पूरी करनी है, तो इसी के लिए सुबह ही निकल लिए हम लोग जल्दी से, क्योंकि 9:30 बजे से डॉक्टर बैठेंगे, तो टाइम पे तो हम लोग निकल गए, बस टाइम पे काम हो जाना चाहिए। इतना शांत बैठा हुआ है गाइस। फाइनली गाइस यहाँ पहुंच तो गए, लेकिन यहाँ एक लोचा हो गया। लोचा ये हो गया, घर से जो भी खाना पैक करके दिया था ना, तो खाने में क्या है ना, रोटी रखना भूल गए, तो मम्मी पापा आर्यन को तो मैं डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पे बैठा के आ गया गाइस, क्योंकि फिर भागा दौड़ी ज्यादा हो जाती, तो मैंने कहा आप लोग आराम करो, रोटी में लेके आ रहा हूँ। तो ढाबे पे आ गए, यहाँ रोटी पूछते है। तो देखो अपनी रोटी यहीं से हम लोग पैक करवा लेंगे, मिल जाएगी, सिर्फ रोटियां चाहिए। घर वालों ने खाना ऐसा पैक किया, सिर्फ सब्जी सब्जी पैक कर दी और रोटी भूल ही गए, बीच रास्ते में फूल आया कि रोटी ले लीजिएगा, मम्मी उन लोग की क्लास लेंगी घर पे जाके, ताजी ताजी रोटी बन रही है।
गाइस फाइनली पापा की दवा वगैरह तो सब कुछ ले ली। वहाँ पे एक्चुअली में क्लिनिक पे सीन होता है ना, भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो लोग तो मैंने सूट तो किया नहीं, बटा दवा वगैरह जल्दी मिल गई। अभी 11 बज रहा है गाइस, तो जल्दी टाइम पे घर पहुँच जाएंगे और घर के भी काम आज निपटा देंगे सारे, तो टाइम पे पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी 2 घंटे लगभग लग जाएंगे यहाँ से जाने में। फाइनली आ गए थे घर पे, और घर पे जैसे आए ना तो घर पे देखो काम चल रहा है। देखो रोशनी जी कुछ पालक पनीर कुछ बनेगा तो पालक काटे जा रहे, और कृष्णा अपने काम में बिजी है गाइस। और खाने का तो अभी समझ सकते हो आप लोग, तो खाना पीना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आपने कुछ खाया सुबह से? नहीं। और रोशनी ने भी अभी सुबह से कुछ नहीं खाया है। और कुछ कहना चाहोगे सब्सक्राइबर्स को? हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? करवा चौथ की आप सबको अपन को हार्दिक शुभकामनाएं। इतनी स्पीड में बोल रही, और फर्स्ट टाइम ये बोली है गाइस, फर्स्ट टाइम। जो मेरा लास्ट वाला करवा चौथ का व्लॉग था गाइस, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा गाइस। क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत मतलब इतनी भयंकर वाली खराब हुई थी ना गाइस, मैं आप लोग को बता नहीं सकता। मैंने अपने लिए कुर्ता भी मंगवाया था, सब कुछ, मैं कुछ भी नहीं पहन पाया था। बहुत ज्यादा क्यों, मेरी तबीयत उस दिन बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा गाइस। आप लोग वो भी वीडियो देख लीजिएगा गाइस, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक उसका, तो देख लीजिएगा आप लोग। मस्त अपनी खीर भी बन रही है यहाँ पे, ये देखिए, और ये केसर भी अभी इसमें पड़ेगा। पहले करवा चौथ की पूजा चालू होने जा रही है, और रोशनी अब किताब पढ़ेंगे करवा चौथ की, है ना। और गाइस ये करवा चौथ का सेट देखिए, प्यारा लग रहा ना गाइस, कमेंट करके बताइएगा कितना अच्छा लग रहा। ये देखिए, और ये गाइस, ये जो करवा चौथ का सेट दिखाया ना मैंने, ये कोई मार्केट से नहीं खरीदा हुआ, ये किस्ता ने खुद अपने हाथों से बनाया है। रियली गाइस, किस्ता ने खुद अपने हाथों से बनाया, मैं खुद इसे देख के गाइस अचंभित रह गया था। मैंने कहा किस्ता मार्केट खोल दो इसकी, मतलब और सारे बनाओ तो बहुत सारा मैंने कहा पैसा कमाओगे, मैंने कहा पूरे करवा चौथ में, तो हंसने लगी। लेकिन उसने रियली काफी प्यारा बनाया है, मेरे को काफी अच्छा लगा। A few moments later. आशीर्वाद मिल गया रोशनी को तो। पहली पूजा तो हो गई है, और मैं तो काफ़ी थक गया हूँ रियली बता रहा हूँ, क्योंकि जब से पापा की दवा लेके आया हूँ ना, तब से सिर्फ काम 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 कर रहा हूँ। तो चलो नहा धो लेते हैं। Many minutes later. Guys, finally, मैं और रोशनी तो अपना मस्त रेडी हो गए, और रोशनी भी अपना फुल फॉर्म में रेडी हो गई, और मैं भी फुल फॉर्म में रेडी हो गया। ये कुर्ता गाइस मैंने अपनी मैरिज में पहना था, मतलब जो मेरी मेहंदी थी गाइस, उसके बाद मैंने ये कुर्ता अब डाला है गाइस, तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो रेडी तो हो गए अपना मस्त, तो अब चलते हैं सीधे चांद को देखने। तो चलो चांद भी निकल आया है गाइस, तो चलो ऊपर से आवाज आ गई है, तो चलो फटाफट चलते हैं ऊपर। तो गाइस मैंने सेल्फी स्टिक निकाल ली, तो इससे मेरे को काफ़ी आराम हो रहा है ब्लॉग बनाना। कृष्णा को देखो कितनी जल्दी है। तो गाइस दिख रहा होगा आप लोग को चांद, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। तो ये रहे चांद महाराज जी, ये देखिए। तो गाइस चांद आप लोग को दिख रहा होगा, वो देखिए एकदम, ये रहेगा इस चांद महाराज। चावल लगाना भूल गई कृष्णा, लाइट दिखाओ जल्दी से। और पूजा चालू हो गई यहाँ पे भी गाइस, और यहाँ पे कृष्णा भी देखो कैमरामैन बन गई, हेल्प कर रही मेरी लाइट जलाने में। अरमान का गाइस बोर्ड ऑफ हो गया था, ये सबसे लास्ट में आया। ये देखो अरमान इधर देखो इसके फेस से ही पता चल रहा है गुस्सा है थोड़ा। देखो कितनी जल्दी भागे, फूटेगा
ये पूरा। पिछले व्लॉग में तो मैं इतना नहीं शर्मा रहा था, मेरी तबीयत खराब थी, शायद यही वजह हो सकती है, लेकिन आज मेरे को काफी रियली बता रहा हूँ शर्म आ रही थी, पता नहीं क्यों यार, क्योंकि सब लोग थे तो पता नहीं अजीब सा लग रहा था मेरे को, बट हाँ पूजा हो गई, बढ़िया मस्त पूजा हो गई। तो फिलहाल भूख भी ज्यादा लग रही है, और ये देखो कृष्णा आज मेरी काफी हेल्प कर रही है, इसने बहुत काम किया आज, अब काफी अच्छे से शो हो रहे हैं गाइस, ये देखिए। बहुत ज्यादा गाइस भूख लगी है, क्योंकि सुबह से बिना पानी के सब कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा ना। चले खाना खाने चले, चलो भाई चलो खाना खाने चलते हैं, अब टाइम हो गया काफी। छप्पन भोग की तरह खाना तैयार हो रहा है, पूरा टेस्टी लग रहा है, जल्दी जल्दी दो भाई निकाल के। सबसे मस्त आइटम खीर गाइस, कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा काफी पुराना कुर्ता है गाइस, मेरे को इसकी फिटिंग काफी अच्छी लगती है। Many minutes later गाइस खाना पीना तो अपना कंप्लीट हो गया, दबा के खाया आज गाइस, रियली बता रहा हूँ मैं हिला नहीं गया, बट हाँ जितनी भी वॉक वगैरह थी तो घर के बाहर ही वॉक कर लिया मैंने। और एक चीज आपको और दिखाऊं, ये देखिए दोनों भाई सो गए मेरा व्लॉग देखते देखते, ये लोग व्लॉग देखते हैं, शाम को जरूर व्लॉग देखते हैं मेरा, गुड नाइट सो जाओ। और ये देखिए व्लॉग चल रहा है अपना, व्लॉग तो गाइस चलने दीजिए, फिलहाल मैं भी आप लोग से इजाजत चाहता हूँ गाइस, क्योंकि आज मैं पूरे दिन कितना थका हूँ मैं आपको बता नहीं सकता गाइस, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहा, और आज का व्लॉग भी लंबा बन गया होगा गाइस, ये आपको भी पता है क्यों बन गया। और हाँ मेरा पहला व्लॉग जो करवा चौथ वाला था, वो अगर आप लोग को देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गाइस, उस वीडियो का जो पहले करवा चौथ मनाया था, तो आप लोग वहां जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से। तो बस यही गाइस आज का जो भी व्लॉग रहा होगा, इस करवा चौथ हम लोग ऐसे ही अपना मनाते हैं, मैं से और रोशनी भी काफ़ी खुश थी आज, तो पापा की भी दवा मिल गई और पापा का ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोग के प्यार से गाइस, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, तो सब कुछ बेटर है गाइस, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, डॉक्टर से भी बहुत बातचीत हुई, तो हाँ गाइस आज काफ़ी हैप्पी हूँ मैं। तो फिलहाल गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगा गाइस, वन सेकेंड गाइस आप सभी कपल्स को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं गाइस, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूंगा गाइस, तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आपको कंटिन्यू मिलते रहे गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए ओके टाटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर गाइस, बाय।